गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट स्टूडेंट टूडे आई शेल टीच यू क्लास नाइन्थ हिस्ट्री लेसन वन नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इट्स ए पार्ट नाइन्थ ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट इट्स आवर नेक्स्ट पार्ट एंड एंडस्ट पार्ट देर इज ए कंक्लूशन इन एटीन जीरो फोर नेपोलियन बॉर्ना पार्ट क्राउंड हिमसेल्फ एम्पायर ऑफ़ फ्रांस एटीन जीरो फोर में स्टूडेंट नेपोलियन बॉर्ना पार्ट ने अपने आप को क्राउंड किया ताज बनाया और क्या घोषित किया एम्प्रर ऑफ फ्रांस कि वो फ्रांस का एम्प्रर है राजा है ही सेट आउट टू कनकेयरिंग कनकेयर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज ही सेट आउट टू कनकेयर कनकेयर होता जीतना उस दिनों उसने जो है अपने नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़ जो पड़ोसी देश थे उनको जीतना शुरू किया डिसपोजेसिंग डायनेस्टीज और जो देश जीते उसमें जो डाइनेसटीज़ uh, जो वंश जो है आगे राज करते थे उसको जो है ख़त्म किया क्रिएटिंग किंगडम्स और जो है उसने आगे जो है और किंगडम्स जो है क्रिएट किए किंगडम बनाए वेयर ही प्लेसड मेम्बर ऑफ इस फैमिली और जहाँ पर उसने जो है उसके अपने परिवार के मेम्बरों को जो है वहाँ पर राजा बनाया नेपोलियन सा इज़ रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ़ यूरोप और नपोलियन को क्या माना जाता है कि नेपोलियन जो है एक एज ए मॉडर्नाइजर था यूरोप का ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज और उसने जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है लॉज इंट्रोड्यूस किए थे बहुत सारे कानून बनाए थे वो और वो ये थे सच ऐसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी कि कोई भी जो है इंडिविजुअल है अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकता है एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड वीज़र और उसने यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया एक ही सिस्टम बनाया तोलने का और नापने का प्रोवाइडेड by द डेसिमल सिस्टम और उसमें जो है तो उन्होंने नापने में क्या था decimal सिस्टम का भी यूज़ किया initially many मैनी स मैनी सा नेपोलियन एज ए लिबर लिबरेटर कहते हैं शुरू में तो सभी लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ये देखा कि नेपोलियन एज ए लिबरेटर है कि नेपोलियन ने हमें जो है आज़ाद किया है हु वुड ब्रिंक फ्रीडम फॉर द पीपल कि नेपोलियन जो है एक लिबरेटर है जो लोगों को लोगों के लिए आज़ादी लेके आएगा बट सोन द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरी वीयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स और सोन उसके बाद जल्दी स्टूडेंट क्या हुआ जो नेपोलियन की आर्मी थी वो सबको नजर आई सब जगह थी और वो जो है इन्वेडिंग फोर्स थी वो जो है उन्होंने जो है दूसरे देशों को जो है जीतना शुरू कर दिया ही वॉज़ फाइनली डिफीटेड एट वाटर लो इन एटीन फिफ्टीन और अठारह सौ पंद्रह में नेपोलियन जो है वाटर लो के युद्ध में हार गया था मैनी ऑफ हिज मीजर दैट कैरिड द रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर दिन नपोलियन हेड लेफ्ट स्टूडेंट मैनी ऑफ इज मीज़र्स कैर द रेवल्यूशरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी और बहुत सारे उसके जो मीज़र्स थे जिसकी वजह से जो है लिबर्टी के आइडियाज जो है शुरू किए गए थे और मॉडर्न लॉज जो था जो जो है नए कानून बनाए गए थे यूरोप के कुछ हिस्सों में उसका जो असर हुआ था उसका असर नज़र आया था लोगों के ऊपर आफ्टर द नेपोलियन हेड लेफ्ट जब नेपोलियन जो है ने छोड़ दिया था तो उसके बाद में जो है उसके लिबर्टी के आइडियाज़ और द मॉडर्न लॉ था वो जो है उसके इम्पेक्ट जो है लोगों के ऊपर नज़र आए थे द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते जो लिबर्टी के आइडिया थे जो आज़ादी के आइडिया थे और जो डेमोक्रेटिक राइट right थे इनके जो आइडिया थे ये जो ये ये क्या था स्टूडेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो है एक लेगेसी थी एक लीजेंड था दी सपरेट फ्रॉम फ्रांस टू रेस्ट ऑफ़ द यूरोप और ये जो आइडिया से लिबर्टी के और डेमोक्रेटी के आइडिया से दी सपरेट फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप फ्रांस से लेके पूरे यूरोप के जो है में जो है नज़र आए और ड्यूरिंग द नाइनटीन एटीन सेंचुरी वे आर फ्यूडल सिस्टम्स वे आर फ्यूडल सिस्टम वर एबोलिश और जहाँ पे फ्यूडल सिस्टम जो थे स्टूडेंट जो जागीर संबंधी जो सिस्टम थे उनको जो एबोलिश कर दिया ख़त्म कर दिया था कॉलोनाइज पीपल्स रीवर्क द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्राम बॉन्डेज इन टू द मोमेंट टू क्रिएट सॉवरन नेशन स्टेट एंड कॉलोनाइज पीपल और वो जो कलोनीज़ में लोग रहते थे उन्होंने दोबारा से काम करना शुरू किया इस पर जो आइडिया ऑफ फ्रीडम कि फ्रीडम के जो आइडियाज थे फ्राम बॉन्डेज जो उनको बंदिज थी जो उनको जो है बॉन्डेज लेबर करते थे वो तो उनकी जो बंदुआ मजदूरी करते थे उनसे जो है उनको जो है दोबारा से वो काम करने लगे कि हमें जो है आज़ादी चाहिए इन टू दियर मोमेंट्स टू क्रिएट ए nation स्टेट्स और उन्होंने जो है मोमेंट्स आंदोलन शुरू किए कि वो जो है एक sovereign स्टेट नेशन स्टेट बनाएंगे एक स्वतंत्र राज्य जो है बनाएंगे टीपू सुल्तान एंड राम मोहन राय राय आर द टू एग्जाम्पल ऑफ द इंडिविजुअल्स हू रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम द रिवोल्यूशन फ्रांस और इसमें स्टूडेंट जो कौन थे जो लोगों ने ट्राई जो कलोनीज में लोग रहते थे उन्होंने फ्रीडम के आइडियाज को जो है स्टार्ट किया और उन्होंने ये कहा कि हमारा नेशन जो है सॉवरन चाहिए हमें स्वतंत्र देश चाहिए तो उसमें से स्टूडेंट टीपू सुल्तान और राम मोहन राय जो थे ये दो थे दो इंडिविजुअल थे दो व्यक्ति थे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हु रिस्पोंडिड टू द आइडियाज़ और जिन्होंने इस आइडियाज़ पे रिस्पॉन्ड किया कि आइडिया ऑफ फ्रीडम जो है उन्हें आज़ादी चाहिए कमिंग फ्रॉम द रेवोल्यूशनरी फ्रांस और जो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उससे जो है उन्होंने कहा कि हमें जो हमारा देश जो है आज़ाद होना चाहिए So, student, I have taught you part nine and complete chapter. I think you might have understood. And student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.